हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने जूनियर असिस्टेंट की मैथ की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अभी थोड़े दिन पहले हमने उसके एमसीक्यूज की सीरीज सॉल्व की पूरी जो हमें सीबीटी एग्जाम में आई हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, उसका जो नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है, आज हम उसको करेंगे। और विद दिस टॉपिक आवर नंबर सिस्टम इज डन, देन फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट परसेंटेज और कोई और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर आज हम इसका पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, तो प्लीज वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, उसके बाद ताकि हम अपना जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर सकें। तो आइए अब सबसे पहले पढ़ते हैं रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक ही क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बेस पे आपको एग्जाम पे बड़े सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे ना आपको एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अब रिमाइंडर होता क्या है, देखो आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए, आपको डिवाइड तो सब बच्चों ने सीखा होगा बचपन में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये लिखा 9 लिख दिया, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया 2, जैसे इसको हम डिवाइड करके 2 4 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। अब इसमें हमारा, मैं बताऊंगा को रिमाइंडर क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चन आएंगे आपको। क्वेश्चन के बेस पे, डिवाइजर के बेस पे जो हमारे क्वेश्चन बचेंगे वो हम अपने कम्प्लीमेंट्री वीडियो जो बाकी लाएंगे उसमें हम उसको कंप्लीट कर देंगे। देखो पता क्या बात है, क्योंकि आपका जो ये मैथ का टॉपिक है पूरा, ये मैथ ये आपका 10 मार्क्स का आएगा, 10 की ही रीजनिंग आएगी, तो नंबर सिस्टम से ज्यादा से ज्यादा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना हो सकता था हमने आपको करवा दिया, तो आई होप आपको इसमें से ही कोई क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। अब देखो ये है 4 जो है, इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट। क्या बोलते हैं? क्वोशेंट, ठीक है। अब ये जो हमारा 1 है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और इसी के बेस पे हमें क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं आज, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। और जो 9 है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये चीज कॉपी पे नोट कर देनी है, आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, एंड क्वोशेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसपे हम पढ़ेंगे रिमाइंडर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो दो टाइप के रिमाइंडर होते हैं, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। अभी तक आपने जितना भी मैथ पढ़ा हुआ है बचपन में, आप सबको पता होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर ही होता है हमारा, ठीक है। अब एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, वो पढ़िए। देखो मान लो मैंने एक टर्म लिखी 49/18, ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे एक टर्म लिखी। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 49 को अगर 18 के साथ हम डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा हमारा? ये हमारा आएगा 18 × 2 = 36 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 13। अब 13 इसका क्या बचा? ये हमारा रिमाइंडर बचा, ठीक है, रिमाइंडर बचा। पर ये कौन सा रिमाइंडर है? पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, जो जब हम कोई 49 से, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दूसरा ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ी भी समझने में दिक्कत ना हो। अब हमारा मान लो मैंने यहाँ पे किया 49/18, अब देखो हमारा क्या आएगा, अब हम 18 × 2 = 36 होते हैं, और 18 किया कितने होते हैं, यहाँ पे आ गया 54, 54 आ गया ना। अब इससे 49 से 54 कितना बड़ा है? 49 से 54 हमारा कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा, ये हमारा माइनस रिमाइंडर होगा। तो 5 कौन सा है ज्यादा इन दोनों में रिमाइंडर में से हमारा छोटा रिमाइंडर कौन सा है? -5 है, ठीक है। तो अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमने सबसे पहले छोटा रिमाइंडर देखना है। अभी आप इस कॉम्प्लिकेटेड चीजों में मत पड़ो कि छोटा रिमाइंडर क्या है, बड़ा रिमाइंडर क्या है, ठीक है, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। अब ये देखो 49 का नेगेटिव रिमाइंडर क्या हुआ? -5, ठीक है। और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हुआ? पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हमें ये डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपने सिंपली क्या करना है, 18 को 5 के साथ माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे 18 - 5 ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्या आएगा? 13 आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। और आपको जब भी रिमाइंडर निकाले ना एग्जाम में, आपको जब भी पूछा होगा कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म या रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर, तो आपने क्या करना है, उसका पॉजिटिव रिमाइंडर ही निकालना है, ठीक है, ना कि नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक नंबर और ले लेता हूँ यहाँ पे। अब मान लो मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर लिया, मान लो यहाँ पे मैंने लिया
67 डिवाइड बाय 17, ठीक है। अब इसका बताओ आप नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। फटाफट कमेंट करो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, ये फटाफट आपने देखना है, देखना है। अब देखो यहाँ पे आप चीज देख रहे होंगे, अगर हम 67 को 17 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपको मैं बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ, ये बात याद रखना, ये मैं आपको अभी डिटेल के साथ बता रहा हूँ, डिवाइड करके बता रहा हूँ, ये आपको आगे क्वेश्चन करने होंगे, आपको अपने माइंड में करना है। पहले बात तो आपको टेबल आनी चाहिए 20 तक पूरे के पूरे, ठीक है। एक नॉर्मल मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो रहता है ना, उसको 20 तक टेबल तो याद करने ही करने हैं, वो चाहे बैंकिंग का एग्जाम होगा, चाहे SSC का होगा, चाहे किसी भी अदर फील्ड का एग्जाम होगा, उसको जो टेबल है वो 20 तक आने ही चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने किया 17 4 कितने होते हैं हमारे 68 होते हैं, तो ये 67 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, तो मतलब ये -1 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ गया। अगर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, हमने क्या करना है 17 को सीधा 1 के साथ माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। 17 को जब हम 1 के साथ माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, और यही हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होता है, ठीक है। आइए अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स पे आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। मान लो मैं कोई अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 25/13, ठीक है, 25/13, और इसकी पावर मैंने लिख दी 25/13 की, अब लिख दी 48। अब इसका निकालो रिमाइंडर, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म। अब अगर आपको इसका रिमाइंडर निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले एक मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ अभी कभी। आपने क्या करना है, 13 × 26 होता है, आपने क्या चाहिए, हमेशा एक चीज लिखनी है, हमेशा छोटा वाला रिमाइंडर लिखना है। अगर आपको जैसे मान लो यहाँ पे दो रिमाइंडर थे ना हमारा, एक -1 था पिछले वाले क्वेश्चन में और एक हमारा था +13, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ठीक है। ऐसे तो नेगेटिव जो साइन है हमारा वो छोटा ही है, पॉजिटिव बड़ा है, 13 बड़ा है ना, -1 छोटा, तो हम लेंगे कौन सा, छोटा वाला लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने इन दोनों का रिमाइंडर निकालना है, जब तो इसका एक नेगेटिव, देखो इसके दो रिमाइंडर बनते हैं 25 के, मैं यहाँ पे साइड करके करवाता हूँ आपको, 13 13 × 26 आ गया ना, -1 करेंगे, एक -1 आ गया इसका, एक माइनस ये नेगेटिव में आ गया। अब पॉजिटिव में इसका क्या रिमाइंडर होगा, 13 से जब हम एक निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, तो मतलब 12 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, पर इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 12, तो हम कौन से लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, ऊपर ऊपर आएगा -1 की पावर 48, और नीचे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, नीचे हमारा 13 आ जाएगा। विच इंप्लाइज दैट, नहीं ये तो इसके साथ कट गया ना, 13 1 13, ये तो कट गया, 13 नीचे 13 नहीं आएगा, फिर ये इसके साथ कट गया है, फिर ये सिर्फ आएगा -1, ठीक है, -1 आ गया, ये तो रफली आप निकाल सकते हो। अब -1 की पावर 48 किसके बराबर होती है, देखो ये आपको भी पता होगा कि कोई भी नेगेटिव जब हम उसको इवन पावर के साथ वो करते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो उसका रिमाइंडर हमारा क्या आया, 1, ठीक है। तो आपको हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो भी ये आपका ऊपर न्यूमिनेटर जो भी होगा ना आपका, इसको आपने हमेशा प्लस या माइनस में चेंज करना है, वो आपको जैसे भी करना है, वो आपको देखना है, कोई भी कंसेप्ट लगाओ, आडा टेढ़ा जैसा मर्जी आप कंसेप्ट लगाओ, आपको सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू पे माइनस लाना है या प्लस लाना है, ठीक है। ऐसे भी ही मैं आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट करवाता हूँ उसका। अब सेकेंड पार्ट में मान लो आपने ले लिया 3/7, तो ये बिल्कुल इजी है, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि ये सीधा 3 है, तो ये +3 आ गया इसका रिमाइंडर ऊपर वाला, ये कटता कुटता कुछ नहीं है, सीधा सीधा। हाँ इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, ये तो हमारा 7 एकम 7 -4, इसका क्या आ जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर, पर आपको हमेशा कौन सा लेना है, पॉजिटिव रिमाइंडर, तो 3 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और एग्जाम में भी आपको हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेना है, ठीक है। हम इसके बड़ी सारी एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, आगे इसके थोड़ी मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 × 83/21, फटाफट सॉल्व करो उसको, ठीक है, मैं 1 मिनट लेता हूँ पूरा पूरा, ताकि आप बच्चे कमेंट कर सको, क्योंकि देखो तो जब तक आप खुद से सॉल्व ना करोगे तब तक वो उस चीज का मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ कोई जाएगा नहीं उधर, कोई आपको समझाएगा तो फिर आपको खुद ही सॉल्व करना वहां पे, तो इसको हम खोल के लिख देते हैं जिनसे नहीं हुआ। अब देखो आएगा 43/21 × 83/21, ठीक है। अभी हमको काटेंगे हम, ये क्या आएगा, अब देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप शॉर्टकट भी कर रहा हूँ, 21
21 दुने 42 होते हैं, ठीक है, 42 से 43, मतलब एक एक बड़ा है, ठीक है, एक बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, क्योंकि एक रिमाइंडर आएगा ना। अब देखो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे हमें पता नहीं चल रहा, देखो 21 दुने 42, एक आ गया ना रिमाइंडर। तो मैंने क्या बोला था, आपको न्यूमिनेटर पे हमेशा 1 या माइनस लाने की कोशिश करनी है, यहाँ पे हमारा 1 आ गया मजे से, तो हमें लिखी थे प्लस मान लीजिए, इंटू इंटू ये बीच वाला ये आ गया 21 चौके 84, 84 आ गया ना, ये देखो 83, तो 21 चौके 84 आएगा, तो ये क्या है, एक बड़ा है ना, तो इधर हमारा -1 आ जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा, तो +1 × -1 क्या होगा आपका, +1 × -1 क्या होगा आपका, अगर हमारा -1, ठीक है, +1 × -1 क्या होगा, -1 आ जाएगा, नीचे रखो 21 ही रखो, अब ये -1 है ना, इसका भी 21 रखो, इधर भी अब 21 ही रखो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है ना, नेगेटिव में, अगर अब देखो एक रिमाइंडर ये हमारा नेगेटिव में रिमाइंडर आ गया, तो अब मान लो अब यहाँ में अगर इसे पॉजिटिव में करना है तो क्या करोगे, 21 को सीधा आप -1 के साथ माइनस कर दोगे, 21 - 1 क्या आ जाएगा आपका 20, ये -1 आ गया, 21 को -1 के साथ करोगे तो ये आएगा 20, और यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यही आपका क्या है, रिमाइंडर, और इसका आंसर है, ठीक है। पीछे देख लिया है, पीछे भी ठीक था हमारा, और कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे इसका, आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन समझने में, ठीक है, क्योंकि देखो रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन आते ही हैं, एएसएससी में भी आते हैं और जेकेएसएस भी आपको शायद पूछ ले, क्योंकि आपको वैसे भी नंबर सिस्टम का कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो एक का भी डाल सकते हैं, दो का भी डाल सकते हैं, बट हमें क्या करना है, पूरी तैयारी करके जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं 38 की पावर 819 + 2/39। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसको कैसे करें, ठीक है। अब मैंने आपको अभी क्या कंसेप्ट बताया, बड़ा ही इजी कंसेप्ट बताया था, क्या कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इनको चलो खोल के लिख देते हैं पहले, ठीक है, 38 की पावर 819 / 39 आ जाएगा, +2/39 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको खोल के लिखेंगे, पहले हमने यहाँ पे मैंने पहले बोला आपको -1 या +1 लाना है, तो 39 × 1 = 39 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 39 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, 38 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, तो इधर हमारा आएगा -1 की पावर 819 आ जाएगी, ठीक है, अपॉन आ जाएगा 39 रख दो आप, +2 2/39 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ो, -1 की पावर 819 ऑड है ना, अगर इवन होगी तो -1 हमारा पॉजिटिव में रहता, ऑड है तो ये माइनस में रहेगा, -1 प्लस इधर कितना रिमाइंडर है, 2, क्या आ जाएगा आंसर, 2 में से 1 निकाला 1, तो दैट इज कॉल्ड, ये 1 हमारा क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, और आपको मजा भी आ रहा होगा इन क्वेश्चन को समझने के लिए। अब इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने वाला है, अभी तक थे हमारे इजी क्वेश्चंस, अब आपके थोड़े मुश्किल टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, मुश्किल भी नहीं कह सकते हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं उनको। मान ले लिख दिया, मानो ये लिखा मैंने 7/50, 7 की पावर 113, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इजी है क्वेश्चन, हर एक इजी होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इजी है। अब ये नहीं लिखना कि आप सर इसका ये 7 है तो हम डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, 7 कैसे, अब 7 की पावर ये 113 भी है ना, अब हम इसको, मैंने क्या बोला इधर कुछ आपने ऐसा चीज लिखनी है जिससे हमारा -1 या -+1 बन जाए, ये हमारे न्यूमिनेटर पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 7.50, 7 की पावर लिखी 113, ठीक है, रीच इम्प्लीज दैट। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर बनाना है यहाँ पे हमारा -1 या +1 बन जाए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो 51 था 50 आएगा, था 49 आ जाए यहाँ पे, अगर तो -1 बन सकता है, ठीक है, यहाँ अगर 7 की जगह पे 49 आ जाए -1 बन सकता है। अब 49 कैसे बनाएंगे हम, देखो अगर हम लिखते हैं इसको 7 की पावर 2 लिख दिया, 49 लिख दिया, अब ये 113 ना, 113 किसका 2 गुना है, ठीक है, जैसे 50 का 2 गुना 50 × 2 क्या हुआ, 100 हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख दें 55, तो 110 हो जाएगा, अगर ये 56 के साथ करेंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक है, 112 हो जाएगा, तो ये इतना कितना है, 113 है, तो पहले हम इसको 56 लेते हैं, 112 यहाँ बना दिया ना आपने, इंटू यहाँ पे 1 7 की पावर 1 को ले लेंगे, क्योंकि आपने एक चीज आपने पढ़ी होगी, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, इन जब ये दोनों बेस सेम होंगे तो 56 + 1 कितना हो जाएगा, 56 + 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 56 से 112 हो जाएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 112, 112 और 1, ये देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे देखो यहाँ के 56 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 112 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस
एक इसके साथ ये करेंगे तो कितना, 113 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या नीचे लिखना भूल गया मैं, 50 नीचे लिख देंगे, 50 इसके नीचे भी आ जाएगा 50। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, 49/50, 49 के पावर आ जाएगी 56 इंटू 7 की पावर 1/50। ठीक है, अब 59 को हमने अगर 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा इधर माइनस वन आएगा, क्योंकि 51 15, 51 50 है। तो देखो 51 50 आ जाएगा ना, तो यहाँ से 49 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, तो माइनस वन आएगा इधर, माइनस वन की पावर 56 आ जाएगी। ठीक है, माइनस वन की पावर 56, फिर आ जाएगा इंटू 7 की पावर 1/50/50। आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करना है, मैं डिटेल में यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्या करना है, रफ में करना है, डायरेक्ट कर सकते हो। माइनस वन की पावर इवन, मतलब ये पॉजिटिव वन आ जाएगा। ठीक है, इंटू ये माइनस, ये 7 7 की पावर 1 इंटू 7 ही रहेगा, तो इसका क्या आंसर है, 7 इंटू 1 क्या आएगा, 7, और यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये था आपका छठा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सातवें क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है, वो लास्ट में दूंगा, और वो क्वेश्चन मैं देखूंगा, चेक करूंगा कितने बच्चों ने उसको सॉल्व किया। और मैंने अभी जो एमसीक्यूज की सीरीज चलाई ना, जो बच्चे उसको नॉन सीरियस लेके ले रहे हैं कि हाँ हमें से ये क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन, मैं बार बार आपको ये बात बता दे जाता हूँ कि प्लीज आप उसको नॉन सीरियस होके मत देखो। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होगा, आप सिर्फ एक जीएस या फिर इंग्लिश या साइंस पढ़कर ही आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, आपको हर चीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर जाके आप उसके एग्जाम को निकाल पाओगे। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन निकालो। अब 3 की पावर 55/82, देखो मैंने तो सॉल्व करना है, क्योंकि मेरा काम है आपको सॉल्व करवाना, मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पर कुछ आपका फर्ज बनता है कि आप खुद से मेहनत करो, खुद से भी हाथ पांव हिलाओ अपने, देखो खुद से कुछ काम नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, तो आपका काम है खुद से मेहनत करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3 की पावर 55/82। अब हम, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे कुछ 3 की यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बनानी है जिसकी वजह से हमारा क्या आ जाए, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे माइनस वन आ जाए या प्लस वन आ जाए। चलो मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लिखें 82 वन ज़ा 82। ठीक है, अब 3 के साथ क्या, अगर 3 की पावर 2 लेते हैं तो हमारा 9 आता है, 3 अगर 3 की पावर 4 लेते हैं, ठीक है, देखो 3 की पावर 4 लेते हैं अगर, क्या आएगा हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 27 81, हाँ आ गया, माइनस वन आ सकता है, यहाँ पे 3 की पावर 4 ले लेंगे हम। ठीक है, अपॉन, अब ये 55 है, अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, कि हमारा 55 आ जाए। देखो एक चीज आप नोटिस करो, ये आएगा हमारा मान लो 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौके 48 मतलब 12 4 48 आ जाएगा, तो 13 4 कितने होते हैं, ठीक है, नहीं 13 4 क्या आ जाएगा हमारे, ये हमारा आ जाएगा 52, 52 नहीं आएगा इधर हमारा, ये हमारा आ जाएगा आई थिंक 53 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, हाँ तो 52 आ जाएगा जब हमारा इधर, तो इधर हमारा 82 लिखे, इधर हमारा 13 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इंटू फिर 3 की पावर, क्योंकि बेसिस आर सेम, कितने कम होते हैं, ये 40, ये हमारा 52 यहाँ पे बन रहा है, 3 कम हो रहा है 3, यहाँ पे लिख दिया हम, 82 आ जाएगा। अब हमारा आता है इधर, हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ गया, ठीक है 13 की पावर 4 क्या हुआ हमारा, इधर आ जा 81/82 आ जाएगा, फिर आता है हमारा 13 आ जाता है, इंटू 3 के पावर 3 ये ऐसे रहेगा, अपॉन 82 विच प्लस दैट, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे इधर हमारा आएगा -1 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, -1 की पावर हाँ 13, 1 1 की पावर 3 और इंटू 3 के पावर 3 क्या आएगा हमारा, 27 आ जाएगा। नीचे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 82, वरना आपकी चॉइस, आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते, देखो मेरा काम यहाँ पे डिटेल के साथ आपको सॉल्व करना है, बाकी आप जब करोगे एग्जाम में तो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे -1 की पावर ऑड मतलब -1 ही रहेगा, इंटू 27 है, तो 27 को हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 82 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 82 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आई, ये -27 -27/82। अब देखो यहाँ पे -27 है, तो हमें -27 तो लिखना नहीं है, हमें चाहिए पॉजिटिव में, तो आपको अगर पॉजिटिव में रिमाइंडर चाहिए तो क्या करोगे, 82 से आपको 27 को माइनस करोगे, 82 से 27 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12 से 7 निकाले 5, फिर 50 7 से 2 निकाले 5, 52,
देयरफॉर 55, 55 है, यस 55 इज योर रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 55 इज योर रिमाइंडर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एंड आई होप आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है 3 की पावर 90 अपॉन 28, ठीक है, अपॉन 28। अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम सॉल्व करेंगे, और आई होप हर बच्चा जो है बड़ी इंजॉय के साथ जो रिमाइंडर थ्योरम, तो जिस तरह के आप यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हो ना, आप कहीं भी और भी पढ़ ले, पढ़ के देख लेना, स्वाद आ जाएगा आपको रिमाइंडर थ्योरम में, और कभी भूलेगी नहीं आपको, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्या, अपना दिमाग लगाना है। आप जितनी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा इसको एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। लिखते हैं 3 के पावर 90, मैंने वही चीज बोली है, आपने कुछ ऐसी चीज लिखनी है यहाँ पे आपका वो आ जाए, क्या बोलते हैं, माइनस प्लस या -1 या +1 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, ऐसा कि -1 या प्लस आ जाए, तो ये 27 आ जाए समथिंग, या फिर ये 29 आ जाइए, 29 तो कैसे आएगा, बट 3 की पावर 3 जब हम लिखे तो हमारा 27 आ सकता है, ठीक है। 3 के पावर लिखा, अब 90 बनाने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 30 के साथ करेंगे तो 90 आ ही जाएगा, इधर 28 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 की 8 आएगा 27 अपॉन 28 की पावर 30। अब क्या आ जाएगा, 28 अपॉन 27, इधर आएगा हमारा -1, क्योंकि ये 28 से एक बड़ा है, -1 आ जाएगा, अपॉन 30 अपॉन 28, ठीक है। तो -1 की पावर इवन, 30 इवन है, मतलब 1 अपॉन 28, और 1 क्या है, दिस इज योर रिमाइंडर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ पे। देखो नाइन्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है, और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन होगा ना, वो अपने घर से होमवर्क करके लाना है भाई, होमवर्क। देखो एक क्वेश्चन आपने खुद से भी करके कोशिश करनी है। अब ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, अजीब सा क्यों है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो ये आएगा 63 * 97 * 88 * 189 * 148, ठीक है, 148 है, हम डिवाइड कर देंगे 17 के साथ। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है आपने, मैंने क्या बोला, अब इस क्वेश्चन में लगेगा जो इसका छोटा रिमाइंडर होगा, 17 के साथ करेंगे, ठीक है। नहीं तो 17 के साथ हम जब हम करेंगे तो ये 17 4 68 होता है, 17 4 68 होता है, ठीक है। जब हम 17 4 68 और 17 3 कितने होते हैं, 51 होते हैं। अब 63 जब 51 निकालेंगे तो 2 और 6 5 करना 1, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचता है 12, 12 बचता है। बट अगर हम 68 लिखते हैं तो हमारा रिमाइंडर बढ़ेगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या दोनों में से छोटा रिमाइंडर लोगे, कौन सा है, -5 लोगे हम इधर, ठीक है। तो इधर हमारा आंसर सीधा डायरेक्टली -5 भी आ सकता है, आप बड़ा भी ले सकते हो, ठीक है। आप इन दोनों में से जो भी रिमाइंडर लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे हो जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा, बट ये क्या लेंथी और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि छोटा रिमाइंडर लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। अब यहाँ पे भी 17 ये आ गया हमारा 17 5 17 6 करेंगे जब हम, क्या आ जाएगा, 6 42 102, 102 आता है तो पीछे रिमाइंडर क्या, ये भी हमारा -5 बचेगा इधर, ठीक है। फिर 188 के साथ करेंगे जब हम, जो 17 बाई 85 85 आ जाता है, तो 3 3 रिमाइंडर यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। फिर आ जाएगा 189, ठीक है, आई होप यहाँ पे 189, हाँ 17 एकम 17 आ जाएगा, और फिर बचेगा अगर 17 एकम 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19, और फिर आगे 17 एकम 17 आ जाएगा, ठीक है। 11 के साथ चले जाएगा, नहीं तो पीछे रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 2, ठीक है। देखो आप डिवाइड करके देख सकते हो यहाँ पे 189 * 17 जाएगा, 17 * 17 1 गया 19, फिर 17 एकम 17 2 आ गया रिमाइंडर, 2 हमारा पॉजिटिव में आ रहा है ना यहाँ पे, वो नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, छोटी टर्म ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर 148, 148 को जब हम करेंगे तो 148 का देख लो यहाँ पे क्या आता है, अगर 48 को 17 के साथ करते हो तो यहाँ पे क्या आता है, 17 बाई 85 आता है ना, 17 7 कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा आपका, और 17 8 17 8 आ जाएगा आपका 136 आता है, 136 आएगा। अगर 79 से करते हो तो आपका आता है 63, मीन्स 148। देखो आपका ना कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन, अगर 48 के साथ चलो इसे डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर लास्ट में कितना बचता है, अगर आप पॉजिटिव के साथ करते हो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका बड़ा बचेगा, तो संभाल लेते हो तो 17 एकम 17 17 19 के साथ करेंगे जब आप, 17 को जब आप 19 का, तब आप डिवाइड करो, तब आप इसे सॉल्व करो, तब तक जब हम 17 को करेंगे,
173 समथिंग आता है, तो ये बड़ा आएगा, ठीक है, तो बड़ा आएगा तो 170, मतलब -5 ही आएगा, -5 के करीब ही आएगा तो, ठीक है, -5 के करीब ही आएगा, तो डिवाइड कर देते हैं हम उसको 17 के साथ। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, -5 आ जाएगा, 25, 25 इंटू 5 -25 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस -25 आ जाएगा, ठीक है। अब -25 आने के बाद फिर से इंटू 3 2 6, फिर सतारह के साथ इसको डिवाइड करेंगे, देखो जितनी बड़ी टर्म होगी उसको उतना ज्यादा काटते जाएंगे हम, ठीक है, फिर काटेंगे, फिर ये 6 के साथ कटेगा, ठीक है ना, फिर 6 इसका, देखो माइनस को हम रखेंगे बाहर ही, ये माइनस को हम बाहर ही रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये 125 को जब 17 के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देख लो, 17, ये 17 5 85 आ जाएगा, और 17 7 17 7 कितना होता है हमारा, 17 7 119, 119 में लास्ट में रिमाइंडर की तरफ बचा, 6 6 आ जाएगा इंटू 6/17 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, इसको माइनस को आप बाहर ही रखो फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इसके साथ इसको बाहर ही रखेंगे, 6 36 -36/17, जैसे 17 2 34 होता है, तो बाद में रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा इसमें, +2 रिमाइंडर बचा, तो ये माइनस है ना इसके साथ, इसका माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, रब कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा अजीब सा हो गया, ठीक है। अब -2 है, अब यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है, बट हमें यहाँ पे है -2, पर यहाँ पे अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लगाएंगे तो क्या करेंगे, 17 से हम 2 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 +15 आ जाएगा, और हमें लाना भी कौन सा था, रिमाइंडर पॉजिटिव ही लाना होता है, और दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, और कल मैं इसका चेक करूंगा कि आपने किस तरह इसको सॉल्व किया है, ठीक है, और आपके आंसर चेक करूंगा। देखो लिख दो क्वेश्चन आप, 127 इंटू 139 इंटू 123 69 इंटू 79 इंटू 1876 7, ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। आई होप हर एक बच्चा जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड विद दिस क्वेश्चंस आवर नंबर सिस्टम इज डन, सो अब हम जो आगे से नेक्स्ट लेक्चर से अब हम सेकंड टॉपिक पे चलेंगे, वो चाहे परसेंटेज कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क कर सकते हैं, बट हम जो है जल्द ही अब अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे, और जल्द ही अपने जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मे भी कल आपको टाइम एंड वर्क मिल सकता है, परसेंटेज मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए बस यही था, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो पे कमेंट कर दें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, ठीक है।